कुदरत ने किसानों के साथ ना इंसाफी की। कुदरत ने आसमान से ऐसा आफत बरसाया कि खून पसीने से लहलहाती धान का फसल बाढ़ के काल में समा गया। खड़ी फसल गिरकर धान सब सड़ रहा, किसान अपनी भीगी आंखों से देखता रहा अपनी फसल की बर्बादी का। घर में रखा अनाज कपड़ा सब डूब गया, कुदरत खेत में लहलहाती फसल को बर्बाद कर दिया। इधर घर में रखा सब बाढ़ के पानी में डूब गया, साल भर का दाना कुदरत ने छीन लिया। घर पलायन कर अपने मासूम बच्चों के साथ सड़क पर रहने के लिए मजलूम मजदूर किसान को छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना पड़ा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को पेट भरने के लिए छोटी बेटियां चूल्हा फूंक कर रूखा सूखा बनाकर भूख मिटाने की जुगाड़ कर रही। बाढ़ से हजारों एकड़ फसल किसान का डूब कर सड़ रहा, बेबस लाचार किसान अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी खुली आंखों से देखता रहा। आखिर में क्या करे, दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर रहा किसान पानी में डूबा फसल को। किसान के परिवार भीगी आंखें मायूस होकर काट काट कर पानी से निकाल रहे कि कुछ तो मिल जाए, बचा खुचा हवा से गिर गया। पानी में डूबा किसुआ किसान के खेत में पहुंचकर धान का फसल खड़ा कर रहा। अन्नदाता दूसरों को पेट भरने वाला आज खुद अपने बच्चों को पेट भरने के लिए जोह-जिल्लत उठाना पड़ रहा। बहुत काफी नुकसान हो गया। किस तरीके का नुकसान हो गया? अरे धान सब सड़ रहे बारिश से। अच्छा, फसल बर्बाद हुआ और जब पानी कम हुआ फसलों पे मिट्टी लगती हुई दिखाई दी। किसान अपने खेत में पहुंच कर माथे पे हाथ रखकर पछताता रहा कि घर की लाई पूंजी सब हमने किसानी में लगा दिया और आज कुदरत ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर में किसान को हर तरीके से धोखा और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इधर किसान महंगाई से परेशान है और उधर अब कुदरत ने दूसरा कहर ढाकर किसान का कमर तोड़ दिया। साल भर का दाना पानी कुदरत ने किसानों से छीन लिया। बलरामपुर में 10 दिनों से बाढ़ की तबाही के कारण पूरा जिला डूब चुका था और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर के हुआ था। किसानों की साल भर का जो दाना पानी था, कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि साल भर का दाना पानी छीन लिया। इस वक्त मेरे सामने पीछे देख सकते हैं और मैं इतने पानी में खड़ा हूँ। देखिए, ये तो फसल है, पूरी फसल डूब करके और पूरी फसल बर्बाद हो गया। लमसम हजारों एकड़ फसल किसानों का इस बाढ़ के पानी में गल गया। अब लोगों को खाने और पीने तक का भी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जो किसान साल भर का दाना पानी के लिए जो घरों में पैसा था, रुपया था, उसको किस खेती में लगाए थे, आज किसान खाली हो गया है। अब ना तो उसके घरों में कोई खाने पीने का सामग्री बचा और खेत में जो फसल लहलहाता धान था वो भी बाढ़ के पानी में गल गया। हमारे साथ कुछ किसान है, क्या दिक्कत है भैया, क्या स्थिति है? फसल भाई अच्छा, क्या सरकार कहाँ के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है? कुछ सरकार का स्थिति खराब है, सरकार के माध्यम से कुछ मिला? क्या स्थिति है भैया बताओ? बहुत परेशानी है, नहीं घर में पानी हला। और फसल का क्या स्थिति है? फसल कुछ नहीं, एकदम बूढ़ी है, सब डूब गया। हाँ, सब डूब गया। कुछ क्या स्थिति बताइए इसमें? गांव में कोई आप आपके गांव में कोई राहत सामग्री वगैरह वितरण किया गया? कुछ नहीं मिला। अच्छा, कोई सामान नहीं मिला। फिर कैसे आप लोग हैं सर? जो पुराने रखा हुआ था छत पर खाते पीते हैं। अच्छा, अरे बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ। सब बच्चे भूखन मर रहे हैं, वैसे तबीयत इतना खराब है, किसी का पेट झर रहा है, किसी का उल्टी हो रहा है, किसी का दस्त,
आज तक एक लाई पूरी नहीं गांव में गया है। नाव है, नाव का तीन रोज अगल बगल वाले झगड़ा कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों का जो फसल बर्बाद है उसमें क्या कहें? फसल में अब क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, फसल मरे गया और क्या कहें। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लाल भरिया खादर, ग्राम नरेश यादव बोल रहे हैं। मेरे यहाँ का इतना खराब है कि हम लोग का रहना दुर्लभ। अनाज पानी जब वो अपने रास्ते पर चल गया, खाने का कुछ नहीं, सरकार के यहाँ से कोई सहयोग नहीं हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएं, किस तरह जाएं और कहाँ रहें, कोई सोचता नहीं है। पानी कहाँ कैसे भरा हुआ है आपके गाँव? अरे पानी मतलब गली गली में भरा हुआ, घर में भी भरा हुआ है। अभी कोई वहाँ व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। यह है कि दो नाव वहाँ पहुँच गई थी, उन्हीं के राहत से जो डूबते थे या बीमार होते थे उनको दूसरे जगह भेजा जाता था, निकाला जाता था। यही में रख रखाव है सर, और हमारे यहाँ कोई अधिकारी आती है भैया। अरे बहुत खराब स्थिति है सर। क्या दिक्कत है? अरे सब घर में पानी हल गया और पूरा टहरी अनाज जो था पुराना रखा था, गेहूँ जैसे गेहूँ रखा था, लाही सरसों था, सब डूब गया। उसी में कोई कोई निकाल निकाल के रखा, कोई कोई सब बह गया सबका। अच्छा। बहुत ऐसा इतना धारा मार के रहने वाले हैं ग्राम लाल भरिया खादर तो कुछ नहीं। तो देख सकते हैं इस वक्त में, आप देख सकते हैं मैं कितने पानी में खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे जो फसल है आप पूरी फसल देखिए पूरी डूब करके बर्बाद हो गया। और लाल भरिया एक ऐसा गाँव है जो पूरी तरीके से चारों तरफ पानी, घरों में पानी, लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उनका साफ कहना है कि आज तक 10 दिनों से हम लोग बाढ़ में घिरे हुए थे, लेकिन ना तो सरकार के नुमाइंदे यहाँ आए सुध लेने के लिए और ना ही यहाँ के समाज सेवी आए यहाँ हम लोगों के सुध लेने के लिए। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि तूफान और बाढ़ के तबाही में लाल भरिया गाँव के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदे हम लोगों से मतभेद कर रहे हैं, जिसकी खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, लाल भरिया।